Good morning, students. Welcome to our aptitude class. I hope you all are fine and safe at your place. Today we are going to start our PA2 syllabus. In that PA2, we have first chapter as a ranking. Ranking means we are going to count then and give them a position. The best method to answer the question based on ranking is roughly sketch the situation by making diagram based on the statements given. आपको answer मिलना चाहिए तो अभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो इस पर आप counting करने लगे तो आप confusion में जाओगे. So what you have to do? You have to do rough paper use करके. आप क्या करोगे रफ पेपर में रफ डायग्राम करके उससे काउंटिंग करके और उसको नंबराइज करके आप करोगे सॉल्यूशन निकालोगे. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर वन, 7 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. मोहित इज थर्ड फ्रॉम द राइट. व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट. वी हैव टू ड्रॉ नंबर वन 7 बॉयज. हाँ, रफ इट इज ओके. 7 बॉयज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉयज. ओके, 7 बॉयज है ये. ओके, 7 बॉयज है तो हम इनको काउंटिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेफ्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओके. अभी हमारा क्वेश्चन है, 7 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. मोहित इज द थर्ड फ्रॉम द राइट. मोहित जो है थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से 1, 2, 3 ओके. मोहित है थर्ड से, वो राइट में है. और हमारा क्वेश्चन है वॉट इज द पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट. पोजिशन लेफ्ट से उनका पोजिशन क्या है. लेफ्ट लेफ्ट यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 उसका पोजिशन है 5. ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट. राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट से काउंटिंग करोगे तो 5 में है, राइट से काउंटिंग करोगे तो 3 में है. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है लेफ्ट में से कौन सा नंबर पे है. लेफ्ट में से है 5. सो आवर आंसर इज 5 हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. 6 कप्स आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. 4th कप इज लेफ्ट इज ब्रोकन. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट. हाउ मेनी कप्स वी हैव टू ड्रॉ हियर. वी हैव टू ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 कप में लेफ्ट से 1, 2, 3, 4th. 4th इज ब्रोकन. 4th वाला जो है वो ब्रोकन. वॉट इज इट्स पोजिशन फ्रॉम राइट. अभी हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, उसका पोजिशन था 4th. और राइट से स्टार्ट करेंगे तो 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3. सो ब्रोकन कप पोजिशन इज फ्रॉम द राइट इज थर्ड पोजिशन. ओके, हाउ यू हैव टू ड्रॉ. यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कप्स. यू हैव टू नंबर इट फ्रॉम यहाँ से लेफ्ट से नंबर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, इफ आपका क्वेश्चन पूछे तो राइट से, फिर से राइट से आपको आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर लिखना 1, 2, 3. सो आवर पोजिशन इज 3. आप रफली ड्रॉ करके, पहले से आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हमारा सेकेंड आंसर इज 3. सो सी हियर, 3 इज आवर आंसर. फाइंड नाउ थर्ड वन इज 5 ट्रीज स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. विच ट्री इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑल्सो थर्ड फ्रॉम द राइट. हाउ मेनी ट्रीज वी हैव टू ड्रॉ नाउ.
फोर एंड फाइव, वन लेफ्ट से, वन टू थ्री फोर, फोर एंड फाइव. सो हियर फाइव ट्रीज आर स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन. Which tree is third from the left and also third from the right? अभी left से हमें third में a tree है और right से भी one, two, three, यही tree हमारा है. So we have to circle on a, b, c, d, e. A, b, c. Which tree is ours in between? C. C tree जो है वो है सेंटर में आता है थर्ड पोजिशन में. लेफ्ट से काउंट करो तो भी ए बी सी, राइट से करो तो भी ई डी सी. आवर आंसर इज सी. ओके, नाउ सम गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग द कैमरा. सोनाली इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन हर लेफ्ट. टोटल कितने गर्ल हैं वहां पे कैमरा के लिए? कौन सी गर्ल खड़ी है? कौन सी गर्ल खड़ी है? एक गर्ल खड़ी है, उसके लेफ्ट में फेसिंग सोनाली थर्ड लेफ्ट में है. तो उसका पहले वन टू थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है और उसके बाद में यहाँ पे facing to the camera. So some girls are standing in a row facing the camera. Sonali is the third from the left. Okay, third from the left means left say one, second, third. She is a Sonali. How many girls are standing to her left? Uske left mein kitne girls khade hain? One and two. How many girls are standing there? Left mein कितने गर्ल्स खड़े हैं? वन टू. सोनाली इज हियर आफ्टर हर लेफ्ट में वन टू. ओके, टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग देयर. सम लेडीज आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग स्क्रीन. फाइव लेडीज आर स्ट्रेट टू द राइट ऑफ मिस्टर कपिला, मिसेस कपिला. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कपिला फ्रॉम द राइट. हाउ मेनी गर्ल्स? सम लेडीज, सम लेडीज मीन्स हमें उधर फाइव लेडीज आर सिटिंग. फाइव लेडीज को तो हमें काउंट करना ही है. ओके, इट्स अ स्केच बेटा, ड्रॉ करना है फाइव लेडीज. ओके, वन टू थ्री फोर फाइव, ये कहाँ से है? फाइव लेडीज सिटिंग द राइट साइड से. ओके, राइट साइड से है तो हमें नंबर देना है फाइव लेडीज. यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव हो गए. अभी कपिला, कपिला का पोजीशन यहाँ पे कौन से में आएगा? राइट से लेंगे तो सिक्स में आएगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सो आवर आंसर इज सिक्स. हमें राइट से कपिला के बाद में कितने लोग बैठे हैं? वन टू थ्री फोर फाइव. सो कपिला's पोजीशन इज अ सिक्स पोजिशन फ्रॉम द राइट साइड. नाउ अ फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ शोज सम चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अ रो. कनिष्का इज अ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ऑल्सो फिफ्थ फ्रॉम द राइट. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन द रो. सो सिक्स वन हमें करना है. कौन है वो लड़की? कनिष्का. वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव. कनिष्का इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट. अभी वहां से करेंगे हम, वन टू थ्री फोर, इसका पोजीशन है राइट से भी फिफ्थ में है और लेफ्ट से भी फिफ्थ में है. सो हाउ मेनी आर स्टैंडिंग देयर? वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. टोटल कितने लोग हैं वहां पे? टोटल हमारे नाइन
girls are children are standing there. Okay, our answer is 9 here. Now we are going to solve 7th one. 7. Some men are standing in a row. Mr. Lal is third from the right and fourth from the left. How many men are there in a row? First we will draw the right side ka draw karenge. Okay, 1, 2, 3. Third mein kaun hai? Mr. Lal hai. Third mein. Aur uska position hai left from the fourth mein. Left from the fourth means 1, 2, 3, 4. Okay. So उसका position कौन से में है? Total वहां पे कितने लोग खड़े हैं? आपको समझ में आया बेटा? Some men are standing in a row. Mr. Lal is third from the right. Mr. Lal जो है वो क्या कर रहे हैं? Third from the right. 7. Number 7. 1, 2, 3. Third standing in a row right from the third. Okay. And fourth from the left. Fourth from the left means यहाँ पे कितने number आएंगे यहाँ से? 1, 2, 3. Left में से 1, 2, 3, 4. सुनो कितने हो गए? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we get how many numbers there? 6. Total how many are there? Mr. Lal is here. Mr. Lal. So how many members are there? 6 members. Number 8. 6 apple are kept a straight line. Which apple is fourth from the right? Okay. Apples हम draw करेंगे. How many apple we have to draw? 6 apple. Okay. A, B, C, D, E, F. Now we will start from counting 6 apple kept in a straight line. Which apple is fourth from the right? Right से हमें लेना है. Which apple is right from the left? 1, 2, 3, 4. C apple is a correct answer. Our answer is C. C apple is a 1, 2, 3, 4. Fourth में कौन सा है? Right side से 1, 2, 3, 4. C apple is from the right. So our answer is C. Students, you have to do rough work and then write the answers. You have to do this work in your textbook only, but rough work you have to do in your rough page. Okay? Stay safe. Thank you.